भाई तूफानी बारिश के बाद कराची के रोडों का बड़ा बुरा हाल है, गाड़ियाँ जगह जगह पर बंद हो रही रोडों पर, ये देखें। और ये देखिए, ये मेरा घर कहा था घुटनों का काम, ये देखिए। और ये मेरी बाइक है जो कि बंद हो चुकी है, मेरी बाइक की देखिए पानी कहाँ कहाँ है मेरी बाइक, ये देखिए मेरी बाइक का अगला टायर, ये मेरा बाइक है, गाड़ी बंद हो चुकी है और मेरी गाड़ी बंद हो चुकी है रोड पे। तो ये बाइक की गाड़ी भी बंद है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप दुआ करते रहें और अपने घरों में रहें, सब लोग अपने घरों में रहें, और कमजोर अफराद से खास गुजारिश। अल्लाह अकबर। तो पानी बारिश के बाद कराची के हालात देखे, साल पूरा साल याद करेंगे ना। मेरी गाड़ी गिर गई है पानी की बारिश में से, हाँ मेरा चैनल है यूट्यूब पे, मोबाइल रखा मैं। ये देखो तो पानी बारिश के बाद कराची की रोड में, ये मेरी गाड़ी है, मेरी बाइक है, ये दो तलवार है, ये पानी देखेंगे, ये बाइक, ये गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? ये देख लो कराची की जिन्ना अस्पताल का अंदरूनी मंजर, बारिश की वजह से कितना पानी जमा है देख लो गौर से। वज़ीर आला सिंह साहब ने कच्ची आबादियों की तो बड़ी फिक्र की, ये पक्की आबादियों के बारे में उनका क्या कहना है। ये मेरे कमरे का हाल है, ये मेरा बेडरूम है जनाब आले, और आप देख सकते हैं कि क्या हाल है मेरे बेडरूम का। सारा कुछ सारे डूबा हुआ, क्योंकि ये नालों की ना तो सफाई करना जानते हैं, ना सफाइयाँ वैसे जनरली करना जानते हैं। इस मनहूस शहर की जो किस्मत है, पता नहीं कौन बदलेगा। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये यहाँ से मुंतखब वज़ीर आज़म का,
तो जनाब ये हालात है मेरे घर के, मैं इस वक्त अकेली हूँ घर में क्योंकि मेरी मुलाजमा और ड्राइवर किसी काम से बाहर गए थे, वो तो सारे फंस गए, वो नहीं आ सकते इस वक्त घर में, और मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्या कर सकती हूँ मैं। तो ये हालात हैं जनाब, और बस क्या कहूँ मैं, क्या कह सकती हूँ, ये हर साल का तमाशा है, ये हर साल का तमाशा है, इनकी नाहली, कच्ची आबादियाँ बनी हुई हैं पानी के निकास के रास्ते में, उन्हीं की वजह से इन इलाकों में, मैं PC10 ब्लॉक 6 में रहती हूँ, इन इलाकों में ये हाल होता है, ये मेरे सहन का हाल है, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये मेरे घर का हाल है इस वक्त, क्या करूँ, किसको कोसूँ, किसको बुरा भला कहूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं कर सकती, अल्लाह का शुक्र अदा कर सकती हूँ जो कि मैं हर वक्त करती रहती हूँ। तो वल्लाह अलम बिस्सवाब, ये मुल्क कब सुधरेगा, इस शहर के हालात कब ठीक होंगे, मुझे तो कोई उम्मीद कोई आसरा नहीं है बिरादर। मट्टी में देख रहा था, मैंने कहा ख्याल करना, हल्सा कराची का मौसम कुछ इस तरह है फराज, आज तो कराची का मौसम कुछ इस तरह है फराज, जो घर पहुंचा वो सिकंदर और जो ना पहुंचा वो नाले के अंदर। कराची का मौसम कुछ इस तरह है फराज, आज तो कराची का मौसम कुछ इस तरह है फराज, जो घर पहुंचा वो सिकंदर और जो ना पहुंचा वो नाले के अंदर। कराची का मौसम
पानी देख कैसे वो झाड़ू आ गई ये हमारे घर के पास पानी इतना है इतना ये पूरी आधी नहीं देख एंडे वो दूर दूर तक पानी पानी इतनी बारिश इतनी इतनी डांगे डूबी हुई हैं ये गली में जा रहा था ये दो दरिया बना हुआ बुढ़े ये गुलिस्तान है जो ब्लॉक टन की हालत देखें आप लोग बारिश हुई है तकरीबन एक दो घंटे बड़ी जबरदस्त तेज बारिश हुई है उसके बाद ये सिचुएशन देखें ये कामरान चुरंगी के पास का एरिया है और ये गाड़ी बिल्कुल एक मेरे घर में होंडा की है ये करोला गाड़ी तैरती हुई जा रही है इसके अलावा भी एक पीछे गाड़ी कल्टा से वो भी अस्सलाम वालेकुम जी ये मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ ये मेन नीपा है ये मेन नीपा का ब्रिज है जो आपको गुलशन चुरंगी की तरफ लेके जाता है ये ब्रिज इस वक्त स्विमिंग पूल का मनाजिर दे रहा है आपको देख सकते हैं ये है सिंध हुकूमत की 12 साल कारकर्दगी ये हालत है यहाँ पर और फिर भी कहते हैं कि हमने सिंध को पेरिस बना दिया देखें जी विंस तो आपको सामने नज़र आ रहा है कि पानी उन्होंने फ्लोट करवा दिया है बट किश्ती चलानी बाकी है रहम खाएं हमारे ऊपर खुदारा यहाँ की हालत देखें ये सर्विस रोड पे कभी पानी जमा नहीं होता था इस बार यहाँ पर भी पानी जमा है बहुत बुरे हाल हैं और ये जो बैकग्राउंड से बिल्डिंग देख रहे हैं आप इनके घुटने घुटने तक पानी आया हुआ है मगर कोई खुदा खौफी नहीं है एक्सीएन को मुतातर बार बोलने के बावजूद हमें वो लाइन नहीं चेंज करके देता क्योंकि बजट नहीं है हर बार का एक ही रोना बजट नहीं है क्या बोल सकते हैं अब अल्लाह बचाए इनसे हमारी जान छुड़ाए ओके यार तो जो लोग मंडी आने का सोच रहे हैं ना मैं आपको सिर्फ एक शक्ल दिखा दूं ठीक है जानवर देखो कहाँ खड़ा हुआ है और ये हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं मतलब वो अबे और गहरा ही है अच्छा खासा गहरा है यार बच गया बंदे आ रहे ना वो देखो बंदे आ रहे तो ये रोड है ठीक है ये सीधा रोड जा रहा है और ये अंदर ढलान है ये ठीक है अरे ढलान है वो देखो हमारे व्यापारी आ रहा है अबे